हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू आवर सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो आई होप कि आप सभी प्रिपरेशन काफी अच्छी चल रही होगी और आप इस कोविड के इस पैंडेमिक के सिचुएशन में अपने आप को स्वस्थ रख रहे होंगे। सो जैसा कि अभी तक की सिनेरियो हम लोगों ने देखा है, उस टाइम पे अभी मुझे लग रहा है कि जैसे आपकी जेई मेंस अप्रैल वाला जो है वो शिफ्ट हो सकता है कुछ मंथ्स के लिए आगे, जैसे कि अभी हमारे बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो गया है और पोस्टपोन्ड हो गया है, तो उस केस के अंदर हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा टाइम हमें मिल जाएगा अपने प्रिपरेशन में और ऐड करने के लिए। और जैसा मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनिक के रिएक्शन मैकेनिज्म को हम लोग और अच्छे से आप डिस्कस कर पाएंगे, अब हमारे पास समय थोड़ा ज्यादा मिल जाएगा हमें, तो चलिए उसी जैसा कि मैंने बोला था उसी को आगे ले जाते हुए मैं अब रिएक्शन मैकेनिज्म के एक बोल सकते हैं आप कॉन्क्लेव स्टार्ट करता हूँ, जिसके अंदर हम अल्कोहल इथर से स्टार्ट करते हुए सारे कार्बोनिल्स को करते हुए हम एसिड तक जाएंगे, उसके अंदर हम फेनॉल एनिलिन सारे डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे। और इसे हम पढ़ कैसे रहे होंगे, तो इसे पढ़ने का एक तरीका होगा हमारे पास। सबसे पहले पार्टिकुलर जिस कंपाउंड को हम पढ़ रहे होंगे उसका हम पहले प्रिपरेशन आपके साथ डिस्कस करेंगे, आप सबको जैसे ही पहले अच्छे से बताएंगे कि आखिर वो चीज बनता कैसे है, किन रिएक्शन के माध्यम से वो बनता है, कौन कौन से रिएक्शंस का हम यूज करते हैं, कौन से रिएजेंट्स का यूज करते हैं, देन आफ्टर हम उसकी टेस्ट की बात करेंगे कि अगर आपको इसका टेस्ट करना हो, आपको उसे पता करना हो तो आप कैसे उसे पता कर सकते हैं, देन आफ्टर हम उसके बारे में कुछ रिएक्शंस जो स्पेसिफिक रिएक्शंस उनके होते हैं, और अगर उस पार्टिकुलर कंपाउंड ने अगर कोई स्पेसिफिक टेस्ट देना हो या फिर वो अगर किसी नेम्ड रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा तो वो भी हम साथ के साथ डिस्कस करते हुए और बाय द एग्जांपल्स ऑफ रिएक्शंस हम डिस्कस करते हुए जाएंगे। अगर हमने कोई भी कैटालिसिस भी रखा है, कैटालिस्ट भी लिया है रिएक्शन के अंदर, तो आखिर उसको लेने का पर्पज क्या था, इसका मतलब है बेसिकली हम रिएक्शन मैकेनिज्म को पूरे अच्छे तरीके से कवर करते हुए उसके हर एक चीज को हम डिस्कस करेंगे और जहां पे जरूरत होगी आपके मैकेनिज्म की, बिकॉज जेई मेंस के अंदर हमारे पास मैकेनिज्म का उतना बड़ा कुछ खास रोल होता नहीं है। जब जेई एडवांस की हमारी सीरीज आएगी आप उसमें देखना, मैंने कहीं मैकेनिज्म छोड़ूंगा ही नहीं उस केस में, क्योंकि वहां पे आपको हर जगह मैकेनिज्म पता होना चाहिए। जेई एडवांस इज जस्ट बेसिकली अबाउट द ग्रिप ऑफ योर कॉन्सेप्ट, कितना आप उसे पकड़ के रख सकते हैं। सो चलिए आज का जैसे हमारा फर्स्ट है तो अल्कोहल और इथर से स्टार्ट करते हुए समझते हैं। तो सबसे पहले आखिर अल्कोहल हम बनाते कैसे और अल्कोहल होता क्या है, तो बेसिकली अल्कोहल्स बनाने के चार मेथड्स होते हैं हमारे पास। देन उस केस के अंदर अगर अल्कोहल बनाना हो तो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन आता है कि हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मदद से बनाते हैं। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मदद से हम सब जानते हैं कि RMGX को हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। तो उस केस के अंदर जब हम उसमें फॉर्मेल्डिहाइड डालेंगे वाटर की प्रेजेंस में तो वो हमारे पास फर्स्ट डिग्री अल्कोहल आता है, और अगर आपने फॉर्मेल्डिहाइड ही डाला है वाटर की प्रेजेंस में तो आपको 2 डिग्री भी मिलता है। तो वहां पे आप फॉर्मेल्डिहाइड ना डाल के आप कोई सा भी एसीटाल्डिहाइड के आगे वाला आप कुछ भी डाल सकते हैं, यानी कि आप वहां पे एक एच की जगह आपको कोई एल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट करना होगा, यानी कि आपको वैसा कोई सा भी एल्डिहाइड आप डाल सकते हैं, जैसे आप मीथेन एल्डिहाइड, इथेन एल्डिहाइड, आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं। इसका मतलब आप वहां पे 2 डिग्री अल्कोहल बना रहे होंगे। जैसे ही आप एल्डिहाइड के साथ किसी देखो कि अगर एल्काइल ग्रुप ने लगा है तो आप उस एल्काइल ग्रुप की कंडीशन भी देख के आप बता सकते हो कि, और अगर आपने कीटोन लेके अगर H2O के साथ रिएक्शन कर दी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की तो आप एक 3 डिग्री अल्कोहल आपको वहां पे मिल रहा होगा। तो चलिए इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि हमने जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोला था तो यहाँ पे आपने CH3MgBr लिया है, यानी कि मिथाइल ग्रिग्नार्ड आपने ले रखा है। उस केस के अंदर जब आपने फॉर्मेल्डिहाइड का यूज करा तो आपने जब फॉर्मेल्डिहाइड करा तो ये आप ध्यान रखेंगे कि आप 1 डिग्री अल्कोहल बना रहे होंगे। तो एट द टाइम ऑफ प्रोडक्ट आप देखेंगे कि आपने 1 डिग्री बना कि नहीं, तो उससे आपका चेक भी हो जाएगा कि आपने जो रिएक्शन प्रोसीड करा है वो आपने सही करा है या फिर नहीं करा। तो आपने यहाँ पे देखा कि आपने इथेनॉल बनाया तो बिल्कुल सही आपने प्रोसीड करा। उसी तरह अगर हम देखें तो आपने फेनाइल MgBr यानी कि फेनाइल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया, देन आफ्टर आपने मिथाइल एल्डिहाइड, इट मींस जो अभी हमने डिस्कस करा ये आप एक 2 डिग्री की फॉर्मेशन कर रहे होंगे यहाँ पे, तो उस 2 डिग्री को आपने फॉर्मेशन करा। देन आफ्टर आपने यहाँ पे कीटोन ले रखा है, तो जब आप कीटोन लेंगे तो हमने जब डिस्कस करा भी था कि आप वहां पे 3 डिग्री अल्कोहल की फॉर्मेशन कर रहे होंगे। तो ये तो थी पहली मेथड्स की ऐसे हम बना सकते हैं। नाउ दूसरा अगर हम बनाना चाहें तो आप सिन हाइड्रोक्सीलेशन कर सकते हैं, इट मींस कि अगर आपके पास एक एल्कीन दिया हुआ होगा उस एल्कीन को तोड़ के आप उस पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए आप एक किसी रिएजेंट का यूज कर रहे होंगे और वहां पे आप सिन यानी कि सेम साइड पे आप 2 OH जोड़ रहे होंगे। तो उस OH को आप जोड़ने के लिए क्या कर सकते हैं, तो पहली बात आप इजिली पाई बॉन्ड्स को नहीं तोड़ सकते जब तक कि आपके पास कुछ बनने वाला प्रोजेक्ट अच्छा ना बन रहा हो, इट मींस आपको या तो वहां पे बेयर्स रिएजेंट का यूज करना होगा विच इज कोल्ड डाइल्यूट एल्कलीन KMnO4 विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग। ये KMnO4 बहुत ज्यादा ताकतवर होता है वो बॉन्ड तोड़ने के मामले में।
देन आफ्टर आप ऑस्मियम की ऑक्साइड यूज कर सकते हैं OSO4 एंड NaSHO3। ज्यादातर आपको बियर्स रिएजेंट ही देखने को मिल रहा होगा और एक दो केसेस में जेई एडवांस केस में OSO4 भी देखने को मिल जाता है। तो इसकी एक रिमार्क है, आपको जब भी OH ऐड करना हो तो आप OH को दोनों साइड सेम साइड पे ऐड कर रहे होंगे, जो कि हम सीन एडिशन जिस कारण हम बोले हैं। उसी तरह अगर आपने इथीन की सीन हाइड्रोक्सिलेशन करा दी तो उस केस के अंदर आप क्या देख रहे होंगे कि आपने OSO4 के साथ आपने कराया, तो उस केस में आपने दो OH लगा दिए। सिंपल सी है अल्कोहल्स बनाने का, यहाँ पे आप कोई फिक्स नहीं है कि आप 1 डिग्री बना रहे हो 2 डिग्री, यहाँ आप अल्कोहल्स बना रहे हो। देन आपके पास एक एंटी हाइड्रोक्सिलेशन का भी, जब आप सीन में जोड़ सकते हो OH तो आप एंटी में भी OH जोड़ सकते हो। तो एंटी में जोड़ने के लिए सबसे इजीली आप पारोक्सी एसिड का यूज कर रहे होंगे। पारोक्सी एसिड जब भी आप यूज करोगे, आप एक बार ध्यान में रखना कि पारोक्सी आप जब भी यूज करोगे तो आप एंटी में फॉर्म कर रहे होंगे, क्योंकि इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म जो होती है इसमें पहले बीच में एक बार इपोक्साइड का फॉर्मेशन होता है, और जब जब इपोक्साइड फॉर्मेशन करेगा तो वो एंटी में ही लेके जाएगा वो अपनी स्टेबिलिटी की वजह से। बातों को ध्यान में रखिएगा, जो जो बोल रहे हो आपको पॉइंट आउट जरूर करके आप नोट करते जाइएगा अपने नोटबुक के अंदर। तो स्टेबिलिटी की वजह से इपोक्साइड हमेशा एंटी के में रिएक्शन फॉर्म करता है। उसी तरह से कुछ हमारे पास एग्जांपल्स है कि कैसे परोक्सी एसिड के साथ पहले तो उन्होंने यहाँ पे इपोक्साइड का फॉर्मेशन करा होगा, देन सेकेंड स्टेप में उन्होंने एंटी हाइड्रोक्सिलेशन करा है एल्कीन का। देन यहाँ पे एक रिमार्क होता है कि इन एंटी एडिशन, ये हमारे पास एक नोट पॉइंट आप लिख सकते हैं, इसे ध्यान में रखिएगा, ये आपके लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस में आपको काम आ सकता है, जो कि हमारे पास शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड के अंदर या फिर जेई मेंस के अंदर और नीट के अंदर भी कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। उस केस के अंदर ये क्या बताना चाह रहे हैं कि जो दोनों अल्कोहल हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा वो अपोजिट साइड पे लगेगा, ये सही है। और एक चीज ये बताना चाह रहा है कि परोक्सी एसिड में आप कुछ भी यूज कर सकते हो, लाइक आपने MCPBA यूज कर सकते हैं, मेटा क्लोरो ये जो MCPBA है, तो इस केस के अंदर आप साइक्लिक के अंदर क्या करते हैं, ये आपके लिए वो पोजीशन को होल्ड करने का काम करता है, पोजीशन ब्लॉक करने का काम करता है कि उस पोजीशन पे किसी और ने रिएक्शन नहीं करना है। आप पर एसिटिक एसिड का यूज कर सकते हो, आप पर बेंजोइक एसिड का यूज कर सकते हो, आप TFPAA ट्राइफ्लोरो पैरासिटिक एसिड का भी यूज कर सकते हो। बेसिकली अभी तक हमने हमारे पास 38 ईयर्स के अंदर ना कभी भी जेई एडवांस और जेई मेंस ने PAA का यूज कभी नहीं करा है, उन्होंने PBA का भी यूज नहीं करा है, बट हाँ MCPBA को जेई मेंस ने एक दो बार पूछा है और जेई एडवांस का ये फेवरेट है, वो MCPBA ही देके आपको एंटी हाइड्रोक्सिलेशन करवाता है, तो आप ध्यान रखेंगे उस चीज को। ऐसे हमारे नॉलेज के लिए हम चारों को ध्यान रखेंगे कि हो सकता है कि कभी भी हमारे पास ये आ सकता है PAA वहां से देखने को। नाउ फोर्थ मेथड जो हमारे पास है, हाइड्रेशन कर दें एल्कीन का, यानी कि एल्कीन में एसिड के प्रेजेंस में आप पानी डाल दो एल्कीन के अंदर, बस वो पाई वॉट को तोड़ेगा, एक अल्कोहल जोड़ेगा। ये मतलब आपने पानी डालने वाली रिएक्शन, मतलब आपने मार्कोनिकोव एडिशन कर रहा है, जिसके पास ज्यादा एच है उसे आप और एच दे दोगे और जिसके पास कम एच है उसको आप OH देके हटा दोगे, ये इसका शॉर्ट ट्रिक होता है। तो जब भी आप पानी के साथ एसिड के साथ आप पानी डाल रहे हो कंपाउंड में, बस आपने मार्कोनिकोव एडिशन करना है, जिसके पास ज्यादा एच उसको एच और दे दो और जिसके पास एच कम है उसको OH दे दो। सिंपली उस तरह से आप अल्कोहल की फॉर्मेशन कर रहे होंगे। एक और इसी में आता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी कि BH3 डाइबोरेन और ट्राइफ्यूरेन लेके हम करते हैं इस पर रिएक्शन। इसके अंदर आप क्या करते हैं, ये एंटी मार्कोनिकोव है, सिंपल सी बात है, अगर ऊपर आपने मार्कोनिकोव एडिशन करा है तो आपने अल्कोहल बनाया, तो एंटी मार्कोनिकोव में भी अल्कोहल बन रहा होगा। एंटी मार्कोनिक जस्ट उसका उल्टा है, जिसके पास ज्यादा एच है इस बार आप उसे OH दे दो और जिसके पास कम एच है उसके आप और एच दे सकते हैं, यहाँ पे ये उसका जस्ट उल्टा है। उसके ऊपर कुछ हमने रिएक्शन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि आपने ब्यूटीन को लेके हाइड्रोबोरेशन करा दिया, वहां पे आप देख सकते हैं कि जिसके पास ज्यादा एच थे उसे हमने OH दे दिया और जिसके पास कम एच थे उसे हमने एक और एच प्रोवाइड करा दिया। टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन को हम लोग यूज करते हैं एज ए सॉल्वेंट, क्योंकि ये एक ईथर है और एक ये इनर्ट सॉल्वेंट है। कभी भी हम लोग जो सॉल्वेंट लेते हैं वो ये चीज देखते हुए लेते हैं कि वो इनर्ट होना चाहिए, इनर्ट रहेगा तो वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, नहीं तो पता चला कि आपने गए थे बनाने कुछ और आपका सॉल्वेंट ही रिएक्ट करके उसे हटा के चला गया, तो इस चीज का हम ध्यान रखते हैं। नाउ सेकेंड चीज, हम जब अल्कोहल की प्रिपरेशन तो हो गई, ईथर्स कैसे बनता है। ईथर्स बनाने के हमारे पास दो मेथड है, एक विलियमसन ईथर सिंथेसिस और एक हमारे पास अल्कोहल से हम ईथर बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं वो चेक करते हैं। विलियमसन सिंथेसिस बेसिकली कहता है कि आपने एक एल्काइल हैलाइड लिया है और आप एक सॉल्ट लेके आते हैं,
आप एक एल्काइल हैलाइड को रखते हैं, आप एक सॉल्ट लेके आते हैं, वो जब उसका एनए वाला जो रहता है वो आयनिक अट्रैक्शन में होता है, तो वहां से निकल जाता है हैलोजन को देख के, और वहां पे आपके पास एक ईथर बन जाता है। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अ लेबोरेटरी मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर्स। इन दिस मेथड वी हैव एन एल्काइल हैलाइड इज अलाउड टू रिएक्ट विद द सोडियम एल्कोक्साइड, यानी कि आप एक सोडियम का सॉल्ट लेते हैं। इस केस के अंदर आप क्या कर रहे होंगे, ये एक लेबोरेटरी ज्यादा प्रिफर्ड मेथड है, तो आप उसे प्रोवाइड करके, और आप यहाँ पे विलियमसन की मोस्ट फेमस रिएक्शन है, आप इसके कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं। आप अगर अल्कोहल से बनाना हो तो आप कैसे बनाएंगे, तो अल्कोहल को बनाने का एक बेसिक सा इनका एक प्रॉपर स्पेसिफिक मैनर में होता है तरीका, आपको H2SO4 लेना है या फिर आप H3PO4 ले सकते हैं, यानी कि कोई भी प्रोटिक एसिड का आप यूज कर सकते हैं। एक चीज ध्यान रखेंगे, टेम्परेचर आपको 413 केल्विन ही लेना है, अगर इसके ऊपर नीचे आपने कोई भी टेम्परेचर लिया तो ये रिएक्शन नहीं होगी। इस रिएक्शन का होने का आपको 413 केल्विन आपको टेम्परेचर लेना ही होगा। सो आप देख सकते हैं कि कैसे हम ईथर्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं। नाउ केमिकल रिएक्शन कुछ देख लेते हैं अल्कोहल्स की। अल्कोहल्स एल्काइल हैलाइड के भी साथ रिएक्ट करता है हाइड्रोजन हैलाइड के साथ एल्काइल हैलाइड भी फॉर्म करने के लिए। ये फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड के साथ भी रिएक्शन करता है, ये PCl5 के साथ भी रिएक्शन करता है। सिंपल सी रिएक्शन है, इसे हमने अपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाले पार्ट में इन सबको हमने डिस्कस कर रखा है, तो यहाँ पे हम थोड़ा जल्दी से आगे निकलेंगे। ये थायोनिल क्लोराइड के साथ भी रिएक्शन करता है, ये भी हमारे सब्स्टिट्यूशन वाले पार्ट का है। ये आपके साथ कंसेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है, यानी कि ये एलिमिनेशन वाला पार्ट है, एलिमिनेट करके यहाँ पे ये एक एल्कीन का फॉर्मेशन कर रहा होगा। और इन सब पार्ट पे आपको एग्जांपल्स दिए हुए, तो आप इन एग्जांपल्स को जरूर ट्राई कर ले, क्योंकि ये मैंने सेलेक्टिवली चूज करे थे आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एक अच्छे अच्छे एग्जांपल्स जो आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। सो बेसिकली ये उनके लिए था। सो अगर आपके पास कुछ टेस्ट होती हैं, जो एल्कोहल्स के लिए टेस्ट है, उसे डिटरमाइन करने के लिए कि आपके पास 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री एल्कोहल है, तो उसके लिए सबसे पहला हमारे पास आता है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, देन आफ्टर लुकास रिएजेंट जो हमें बताता है कि अगर आपके पास 1 डिग्री एल्कोहल है तो ये 30 मिनट तक कोई रिएक्शन नहीं देता है, कोई PPT नहीं देता है आधे घंटे तक। अगर आपके पास 2 डिग्री रहेगा तो लुकास रिएजेंट जैसे ही आप डालोगे 5 मिनट के अंदर एक व्हाइट PPT निकाल के आपको दे के खत्म कर देगा। 3 डिग्री एल्कोहल जैसे ही आपने डाला उसी समय आपको व्हाइट PPT दे के रिएक्शन खत्म। सेम विद द विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट के अंदर क्या होता है, इसके अंदर आप फॉस्फोरस प्लस आयोडीन तो डालोगे, जैसे ही आपने डाला अगर 1 डिग्री एल्कोहल प्रेजेंट है तो आपको ब्लड रेड कलर देगा, खूनी लाल कलर। अगर आपके पास 2nd डिग्री है तो आपको ब्लू कलर, एंड आपके पास अगर 3rd डिग्री है तो कोई कलर नहीं मिलेगा आपको। ये हमारे कुछ टेस्ट थे जो हमें एल्कोहल्स को डिटरमाइन करते हैं। जो हमारा सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट था वो आपको डिग्री ऑफ एल्कोहल तो नहीं बताएगा, बट हाँ अगर एल्कोहल रहेगा तो वो लाल कलर जरूर आपको दिखा देगा। तो वो हमारे पास स्पेसिफिक टेस्ट में नहीं आता है, हम स्पेसिफिक टेस्ट में लुकास और विक्टर मेयर को कंसिडर कर रहे होते हैं। ये तो था हमारा आज का एल्कोहल और इथर्स। नेक्स्ट वाले चैप्टर में हम डिस्कस कर रहे होंगे आपके पास फेनॉल्स और एनिलिक डेरिवेटिव्स को। फेनॉल के काफी लंबे रिएक्शंस हैं, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ रिएक्शंस हैं उनको, तो हम काफी अच्छे से फेनॉल और एनिलिक को कवर कर रहे होंगे, इंपॉर्टेंट भी उतना ही है वो टॉपिक। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, कोविड से सुरक्षित रहें। जय हिंद।